मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। कर्नाटक के एक स्कूल में हुआ कोरोना विस्फोट, 32 छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। घटना कर्नाटक के कोडगु जिले के एक स्कूल की है, जहां कोरोना के विस्फोट का मामला सामने आया है। यहां पढ़ने वाले 32 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के संक्रमित पाए जाने का मामला ऐसे समय में आया है जब अधिकांश स्कूलों जहां अधिकांश राज्यों में स्कूल और कॉलेजेस खुलने शुरू हो गए हैं। कोडगु जिले के उपायुक्त डॉक्टर बीसी सतीश ने स्कूल का दौरा किया, जहां 32 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। किसी भी छात्र में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। सभी छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनकी निगरानी जारी की गई है। सूत्रों की माने तो 273 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, बाकी छात्रों को आइसोलेट होने को कहा गया है। मामला कर्नाटक के मेदिकरी में जवाहर नवोदय विद्यालय की है। हालांकि स्कूल प्रशासन ने कहा है कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्कूल के स्टाफ की भी कोरोना टेस्ट की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सितंबर माह में भी कर्नाटक के एक कॉलेज में कोरोना हॉटस्पॉट बन गया था। यहां कोलार में केजीएफ कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल के 32 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कर्नाटक में कोविड-19 से संबंधित एहतियात और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए सोमवार से पहली से पांचवी कक्षा तक की छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोला गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हालांकि शहर में तथा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई निजी स्कूलों ने दीपावली के बाद छात्रों के लिए स्कूल फिर से खोलने का फैसला किया है। कई स्कूलों ने छात्रों का स्वागत करने के लिए सरों और कक्षाओं को सजाने तक का इंतजाम किया। सरकार के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके शिक्षकों और कर्मियों को ही कक्षाओं में आने की अनुमति है। सरकार ने छठी से आठवीं कक्षाओं के लिए। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए तब तक बने रहिए हमारे साथ एशिया न्यूज इंडिया।